हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप मेरे सामने देख रहे हो ऑल न्यू सुजुकी जिक्सर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी इस नवरात्रि जो है सुजुकी की जिक्सर को लेने का प्लान कर रहे हैं तो इस बाइक पे क्या ऑफर वगैरह चल रहे हैं उनके बारे में जो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊँगा और जानेंगे कि इस बाइक में कंपनी ने कुछ अपडेट भी किया है या नहीं, या प्राइस को लेके क्या अपडेट है, प्राइस कंपनी ने जो है फेस्टिवल सीजन में ड्रॉप किया है या नहीं, उसकी भी जो मैं यहाँ पे बात करूँगा और क्या फीचर्स स्पेक्स इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं, सब चीज़ों की जो है बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना फ्रेंड्स, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं भाई वीडियो की। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस नवरात्रि सीजन सुजुकी जिक्सर पे जो है भाई सुजुकी की तरफ से एक्सचेंज ऑफर जो है इस बाइक के ऊपर चल रहा है। एक्सचेंज ऑफर के अंदर ये बाइक आपको करीबन 10,000 रुपये कैश डिस्काउंट में जो आपको देखने को मिलेगी। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, ये इसका आप मेरे सामने टॉप वेरिएंट देख रहे हो, राइड कनेक्ट एडिशन इसका जो वेरिएंट ये रहने वाला है। और इस बाइक का जो दिल्ली के अंदर ऑन रोड प्राइस आता है वो आता है भाई लगभग आपका 1,62,000 रुपये ऑन रोड प्राइस के अप्रोक्स जो आपको ये बाइक जो है दिल्ली के अंदर देखने को मिलती है। और इस बाइक के अंदर दोस्तों आपको नेकेड लुक यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे भाई। और इस बाइक के अंदर दोस्तों आपको यहाँ पे जो है एलईडी जो है यहाँ पे इसकी हेडलाइट देखने को मिलती है, जो कि आपके रिफ्लेक्टर बेस है। इसी के अंदर आपको डीआरएल भी देखने को मिलते हैं और इंडिकेटर यहाँ हैलोजन आते हैं भाई इसके अंदर। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन का सेटअप आपको देखने को मिल जाएगा और बाइक के फ्रंट में कुछ इस टाइप से आपको ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ में जो इसका मडगार्ड देखने को मिलता है। ओवरऑल जो बाइक है दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है। अगर बाइक की ब्रेकिंग की बात करूँ तो फ्रंट में आपको 260 mm की बड़ी डिस्क प्लेट देखने को मिलती है, जिसमें आपको बाइब्रेक कंपनी के डुअल पिस्टन ब्रेक कैलिपर का सिस्टम यहाँ जो आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर मैं बात करूँ इसके फ्रंट से टायर साइज की, तो आपको जो भाई 180/17 का जो है यहाँ पे भाई अलॉय व्हील देखने को मिलता है ट्यूबलेस टायर के साथ में। और दोस्तों, इस बाइक के अंदर आपको जो है भाई 155 cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन देखने को मिलता है, जिसकी मैक्स पावर दोस्तों आपको जो है यहाँ पे 13.5 bhp और मैक्स टॉर्क 13.8 Nm जो आपको देखने को मिलता है। यानी कि इसके अंदर आपको पावर और टॉर्क का जो है बेहतरीन कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, जिस वजह से जो है भाई सिटी राइडिंग के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा आपको चलाने में इस बाइक को जो है मज़ा आएगा। साथ ही आपको बताता चलूँ, यहाँ पर आपको जो है भाई 5-speed का मैनुअल गियर बॉक्स देखने को मिलता है, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ जैसे फीचर, मेन स्टैंड वगैरह जो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। फ्यूल टैंक की बात करूँ दोस्तों, इस कैटेगरी के अंदर जितनी भी बाइक आती है मोस्टली बाइकों के अंदर आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है, 12 लीटर का फ्यूल टैंक आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिल जाएगा। और ये इसका राइड कनेक्ट वेरिएंट है, आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो, लेटेस्ट वेरिएंट है ये, E20 की ब्रांडिंग भी आप जो है यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे आपको जिक्सर की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों, इस बाइक के अगर मैं आपको टेल लुक पे लेके चलूँ तो यहाँ पे भी जो आपको एलईडी टेल लाइट का सेटअप जो है देखने को मिलता है, इंडिकेटर हैलोजन है लेकिन टेल लाइट इसकी आपको एलईडी देखने को मिलती है। पीछे से भी काफ़ी ज़्यादा प्यारी लुक जो इसकी यहाँ पे बनाई गई है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, यहाँ पे आपको जो है स्प्लिट ग्रैब रेल देखने को मिलते हैं और जो इसका एग्जॉस्ट है वो आपको डुअल मफलर एग्जॉस्ट जो है देखने को मिलता है। और इस बाइक के रियर में आपको जो है 240 mm की डिस्क प्लेट देखने को मिलती है, जिसमें आपको सिंगल पिस्टन बाइब्रेक का कैलिपर देखने को मिल जाता है। और अगर मैं रियर से इसके टायर साइज की बात करूं तो रियर में दोस्तों आपको यहाँ पे भाई 140/60 R17 का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है अलॉय व्हील के साथ में। साथ ही में आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी और ये इसके भाई एडजस्टेबल आपके फुटरेस्ट रहने वाले जो कि एल्युमिनियम फिनिश के साथ में है। और इस बाइक के अंदर दोस्तों आपको स्प्लिट सीट वगैरह जो है यहाँ देखने को मिल जाती है। बाकी भाई अगर मैं इस बाइक के बदलाव की बात करूँ तो अगर आपको पता होगा तो भाई पहले की जो पुराने मॉडल की जिक्सर आती थी ना भाई, उसके अंदर आपको जो है भाई जो इसका भाई थ्रोटल का जो वायर था ना वो आपको सिंगल देखने को मिलता है, लेकिन भाई जब से ये BS6 अपडेट हुई है उसके बाद से आपने नोटिस किया नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन आपको जो है आप यहाँ पे डबल केबल सिस्टम देखने को मिलता है भाई इसके एक्सेलरेशन वायर के अंदर, जो कि भाई आपकी बाइक को जब आप हाई स्पीड में चलाओगे तो आपको बेहतरीन जो है भाई वो फीडबैक जो है भाई आपका वो एक्चुअली बढ़ जाएगा। और जो डिस्प्ले है वो आपकी
डिजिटल जो आपका मीटर यहाँ पे रहने वाला है, और मीटर के अंदर आपको सारे कनेक्टिविटी वाले फीचर देखने को मिलेंगे। अभी मीटर ऑन करके दिखा नहीं सकता क्योंकि भाई उसमें कनेक्शन नहीं हो रखे, बाकी आप देख लो या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बाकी ज्यादातर लोगों को पता ही है भाई, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल अलर्ट, मैसेज अलर्ट जैसे फीचर वगैरह जो आपको देखने को मिल जाते हैं भाई बाइक के अंदर। इसके अंदर स्पेशली जो चेंज है वो ये है कि यहाँ पे आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर भी जो है आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर मैं बात करूँ इस बाइक की डाउन पेमेंट की, तो दोस्तों ये बाइक जो आपको मात्र 20,000 की डाउन पेमेंट में जो आप इस बाइक को लेके जा सकते हो। और आपके पास अगर कोई पुरानी बाइक वगैरह है, अगर आप उसे एक्सचेंज करते हो, तो आप जो इस पे एडिशनली 10,000 रुपये का जो भाई कैशबैक जो डिस्काउंट वो यहाँ पे आप ले जा सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। तो मिलते हैं ऐसी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।